पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा चलम लेना पड़ेगा। दारू पी लेते हैं दिनों में हमारा ज्यादा चिल्लाए। खेसारी जब भी मुझे मिले हैं दौड़ कर आकर के पैर छुआ। भाई भैया भैया भाई खींच ले बना जितना खींचेगा भाई इमे तो तार इमे तो तेरा केवाड़ देवे तुम गाने में गावत है बोलो ना बोलो ठीक। आज वो बंदा जहां भी है अपने मेहनत के बल पर है, किसी का योगदान नहीं उसका। ये मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि वो कर्म योद्धा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में जमकर घमासान चल रहा है। वहीं इस घमासान और इस जंग में अब भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन और बतासा चाचा उर्फ मनोज सिंह टाइगर कूद चुके हैं और खेसारी लाल यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं पवन सिंह को क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे मन में आया कि मैं कुछ खेसारी लाल यादव के लिए बोलूं। हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, हमारी मुलाकात भी बहुत कम होती है, लेकिन हां जब भी मुलाकात होती है वो शख्स पैर छूता है और मैं गले लगाता हूं। सम्मान हमारे दिनेश लाल यादव ने रहुआ सब सम्मान करते होंगे, लेकिन सम्मान में जो सबसे बड़ा कष्ट है किसी का भी हाथ जोड़ लेना प्रणाम कर लेना। निरहुआ जी हुए खेसारी जी हुए, ऐसे तो आप सम्मान भी जब अगला आदमी सम्मान देगा जो जैसा सम्मान देता वैसा सम्मान पाता है। अभी तो चिंटू है गोलू है ये बच्चे कहीं भी मिलते हैं किसी के सामने भी पैर छू लेते हैं मेरा गले लगा लेते हैं, लेकिन आप जरूरी थोड़ी सबका पैर छुए हो, ये अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अब मैं बात यहां सिर्फ खेसारी का कर रहा हूं। तो खेसारी जब भी मुझे मिले हैं दौड़ कर आकर के पैर छुआ। भाई भैया भैया, मुझे याद है उस शख्स के बारे में मैंने एक बार एक गाना देखा टीवी पर, मैंने दिनेश जी को दिखाया, हमने कहा दिनेश भैया ये कौन सिंगर है बड़ा गजब नाच रहा है। तो दिनेश जी ने कहा कि बिहार का कोई सिंगर है भैया, इसका नंबर निकालिए। तो अपनी किसी फिल्म में हम लोग औलाद फिल्म में या कुछ हो प्लान कर रहे थे, तो उसमें इस लड़के से ना हम लोग एक गेस्ट अपीयरेंस सॉन्ग करवाए। किसको पता था कि जिस लड़के के बारे में हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो लड़का गेस्ट अपीयरेंस करे वो आगे चल करके क्या कर जाएगा। तभी मुझे पता चला कि नहीं, हां मनोज तिवारी जी के यहां उनके बंगले पर मैं बैठा था, तभी विकास वीरप्पन के साथ खेसारी जी आए। अब मुझे देखते अरे भैया प्रणाम, आप लोग तो भोजपुरी के धरोहर बानी और ये वो। मैंने कहा यार ये लड़का तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, चैन वैन पहने हुए स्टाइल में। बोले भैया मैं जो है एक्टिंग में कोशिश कर रहा हूं। वहां मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद आलोक जी ने साइन किया और आलोक जी ने उन्हें अपनी फिल्म साजन चले ससुराल, साजन चले ससुराल का जब मैंने पोस्टर देखा और ट्रेलर देखा तो मैंने रवि दुबे जो दीपू एक सिंगर है वो मेरा छोटा भाई है वो खेसारी जी के अच्छे दोस्त है, मैंने उनसे नंबर मांगा। मैंने कहा कि मुझे खेसारी का नंबर दीजिए मुझे बात करना है। मैंने खेसारी को फोन किया, मैंने कहा बॉस मैं मनोज टाइगर बोल रहा हूं। हाँ भैया प्रणाम। मैंने कहा यार बड़ा बेहतर फ्यूचर है आपका, कमाल का जो है आप परफॉर्मेंस दिए और बहुत गजब फ्यूचर है। पता है ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ शायद ही कोई जवाब दे पाए। बंदे ने मुझे क्या जवाब दिया फोन पे, बस ऐसे आसिर बात बनाए रही एक दिन अमिताभ बच्चन बनकर दिखा दे। देखिए अमिताभ बच्चन जो भी हैं वो अलग बात है,
पर कॉन्फिडेंस देखिए, हिम्मत देखिए। मैंने कहा बाप रे बाप, वो तो मेरे मन में आया कहीं लड़का ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं सिंगर हूं, मेरी बॉडी नहीं थी, मैंने बॉडी बनाई। आज वो बंदा जहां भी है अपने मेहनत के बल पर है, किसी का योगदान नहीं उसके करियर में। अगर कोई कहता है कि खेसारी लाल यादव के करियर को बनाने में किसी ने मेहनत की है, नहीं, वो जहां भी है बंदा अपनी मेहनत के बल पर। और मैं ये बात चापलूसी में नहीं कर रहा हूं, मनोज टाइगर कभी घंटा किसी की चापलूसी नहीं करता। खेसारी लाल यादव से आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं खेसारी लाल यादव को भी फोन भी नहीं करता हूं। प्रोड्यूसर आया, साइन किया, अच्छा रोल हुआ तो किया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन ये मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि वो कर्म योद्धा है, जहां वह अपने बल पे है। मैं एक वाक्य बता रहा हूं, मैं अभी बापजी फिल्म कर रहा था, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती थी जहां लगता था कि बाप डाउन हो रहा है। वो बंदा मुझसे कहता था कि भैया बाप जी है तो बाप जी को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अब वो चाहे मन से कह रहे हो चाहे नहीं कह रहे हो, लेकिन उस फिल्म को बनने में खेसारी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे रोल के साथ कभी उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। वो बंदा इतना, मैं एक सबसे खास बात है उस बंदे के अंदर कि बर्दाश्त करने की क्षमता की पराकाष्ठा है। जहां कई सिचुएशन ऐसी आई है जहां लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की, एक सेट पर हम थे जहां पर कुछ लोगों ने बदतमीजी की, लेकिन इतना पेशेंस, इतना धैर्य दिया। मैंने पूछा था एक बार कि यार बिग बॉस में गए तुम, वहां जो बोलते रहे, बोला भैया वहां पे लोग चाहते थे कि मैं बदतमीज बनू, मुझे बदतमीजी तो मेरे ब्लड में ही नहीं है, मैं बदतमीज कैसे बन सकता हूं। एक बार मैंने खेसारी लाल यादव से कहा कि भैया ये गाने वाने ब्रो जो गाते हो सब लोग, इस पर थोड़ा सुधार करिए। हाँ भैया किया जाएगा, अच्छा गाना कहा जाएगा, सही बात आप कह रहे हैं, नहीं एकदम सही कह रहे हैं हम लोग। बातों को सुनना और उस पर अमल करना, कम से कम सुनता तो है। मैं कभी कोई बात चिंटू को गुस्से में बोलता हूं, निरहुआ जी को गुस्से में बोलता हूं, गोलू को गुस्से में बोलता हूं। ये हमारे स्टार ऐसे हैं, मेरा छोटा भाई निरहुआ, मैं तो मेरे छोटा भाई है, गोलू मेरा बच्चा है, चिंटू बच्चा है, पर ना इन लोगों के अंदर वो पेशेंस है। ये लोग ना किसी चीज को सार्थकता सुनते हैं। उनको पता है कि ये मनोज टाइगर जो है दिल से कुछ नहीं बोलता, बुरा लगा बोला। मैं खेसारी के लिए भी, मैं उनकी कई बातों पर उनका विरोध भी किया हूं, उनके मुंह पे बोला हूं, लेकिन जो बोल रहा होता मुंह पे बोलता हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उस बंदे ने अपनी एक जगह बनाई। मैं भी उस बंदे का, जिसे उन्होंने कहा कि मैं, मेरी आवाज अच्छी नहीं, अरे यार किसने कहा आवाज अच्छी नहीं, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है गाना, मैं, मुझे तो अच्छा लगता है। और जब मुझे अच्छा लगता है, दर्शकों को अच्छा लगता होगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं। तो खेसारी बाबू कर्म करो, मेहनत करो, पीला बजे फालतू चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। दर्शकों का प्यार, दर्शकों का मोहब्बत आपके साथ है, अच्छे से करो। और हां, आपने कहा ना भोजपुरी ने आपको बहुत कुछ दिया, और आपने कहा मदन राय, गोपाल राय, विष्णु ओझा, शारदा सिन्हा दीदी, अपने भरत शर्मा जी, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, कल्पना जी, मनोज तिवारी भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मनोज तिवारी जी का नाम लिया। मैंने तो भोजपुरी का गाना, मैं तो भोजपुरिया हूं नहीं, मैंने शुरू किया मनोज तिवारी के गानों से सुनना। इसमें दो राय नहीं कि पवन की आवाज में खुदा की आवाज है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं आवाज का, खैर उसमें नहीं जाना है। लेकिन खेसारी बाबू, अब आपको दर्शकों ने और भगवान ने एक पोस्ट पर बिठा दिया है, एक जगह बिठा दिया है, ब्रांड हो, परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि एक दिन मंच पर खड़े होकर के विष्णु ओझा से लेकर के जितने लोगों का आपने नाम लिया, वो आपको
थैंक्स बोले और आपके कंधे पर हाथ रखकर कहें कि बेटा भोजपुरी का माटी अदा कर दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूं यह आप कर सकते हो खसारी, आप कर सकते हो और आप करोगे। दर्शकों का प्यार आपके साथ है, कहना तो बहुत कुछ है, दूसरे वीडियो में कहा जाएगा। आज मन बड़ा गदगद है आपके ऊपर, बड़ा खुश। तो आपने सुना मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा से लोकप्रिय भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन किस तरीके से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जो नोकझोंक चल रही है, जो घमासान चल रहा है, जो जंग चल रही है, उस पर अपने बातों को रख रहे थे। वहीं खेसारी लाल यादव की जमकर तारीफ कर रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि खेसारी लाल यादव जब भी मिलते हैं तो पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं और मनोज सिंह टाइगर उन्हें गले लगाते हैं। वहीं पवन सिंह पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने बाखूबी सुना है। खैर लाइफ स्टीज के साथ बने रहें, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।